रंग बिरंगी चोली और उस पर गीतांजलि का ये चुलबुला अंदाज, सिल्वर ज्वेलरीज के साथ बंजारन बन चुकी गीतांजलि न जाने अपनी नटखट अदाओं के पीछे किस राज को छुपाए घूम रही है, उस बदले की साजिश को लिए घूम रही है जो वो खुद अपने घर वालों से लेना चाहती है। हाँ, ये हम पैचवर्क कर रहे हैं एक्चुअली, इट वाज फ्लैशबैक, तो वो सीक्वेंस अलग है, ये सीक्वेंस अलग है, ये दिस, सो एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ आर प्लान, ये भी हमारे प्लान का पार्ट है, और जो मैं चाकू खुद चला रही हूँ बंजारा बन के, वो भी एक प्लान का पार्ट है। सो या साइमल्टेनियसली वी आर डूइंग एवरीथिंग। हाँ, ये सारे लोग मेरा साथ दे रहे हैं मेरा रिवेंज लेने में, बिकॉज यू नो एवरीवन चीटेड ऑन मी, माय फैमिली, माय हस्बैंड एंड द किड, तो सबको अभी मुझे मजा अच्छा खाना है, उसमें माय बेस्ट फ्रेंड इज हेल्पिंग मी। शायद बंजारन बनकर जो चाकू गीतांजलि ने उठाया था अब वही उन पर भारी पड़ चुका है, और उसी खून से लथपथ चाकू से गीतांजलि को लगी हुई गोली निकाली जा रही है। क्या वाकई गीतांजलि फना हो जाएगी और फैंस को इस शो में आगे गीतांजलि नजर नहीं आएगी? इस सारे सवालों के जवाब गीतांजलि ने खुद दिए हैं। Of course, we have made an entire plan, तो उसके हिसाब से अब हम चलेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स इट, तो अभी इट्स जस्ट द बिगिनिंग, अभी एंड में जब सबको मैं मजा चखाऊंगी तो मजा आएगा। फैंस को कोई भी टेंशन नहीं थी, बिकॉज उन्हें पता ही था दैट आई एम गोइंग नोवेयर, आई एम हियर ओनली, एंड यस आई एम प्रीटी मच हियर। जहाँ गीतांजलि अपना बदला लेने के लिए इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, वहीं प्रोडक्शन और टेक्नीशियंस की भी मेहनत बढ़ गई है इस प्लानिंग और प्लॉटिंग को अंजाम देने के लिए। तो जाते जाते पर्दे के पीछे का नजारा खुद ही देखते जाइए कि ऐसे संगीन सीन कैसे फिल्माए जाते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।